ঘুরিলে এইফালে তুই এনেকে সোমাব, ডাইৰেক্টলি এইটো সোমাবগৈ নোৱাৰে। এইটোত মানে ডাউন হৈ গৈ থাকিব, এইফালে ওখৰ পৰা আকৌ পিছ চাইডটো গৈ গৈ থাকিব। আৰু তাৰ তাত মানে পথাৰবিলাকত ক্ৰপছবিলাক থাকে, কিবা ক্ৰপছবিলাকত মানে এনেকৈ ঘাঁহ চাহ হৈ থাকে, তাত মানে বালিবিলাক গৈ 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 জামা হৈ গৈ থাকিব। ইয়াত আকৌ জামা হ'বলৈ সুবিধাটো নাপাব। মানে নৈ কাষতে তাত যেতিয়া ২০-২৫ বছৰৰ ভিতৰত আপুনি বহুত ডিষ্টেঞ্চ দেখি পাব। ঘৰটো প্ৰথম প্ৰটেকশ্যন হয়, পিছত কিন্তু ঘৰটো ডাউন হৈ যায়। लो लाइंग एरिया में भी घर बना के हम लोग रह सकते हैं, बट खेती नहीं कर सकते। खेती नहीं कर सकते क्योंकि 20-25 ईयर्स के बीच में वहाँ पे सेम डिपॉजिट हो के वो पूरा एक नॉर्मल जैसा हो जाता है। और जो घास होता है तो घास में सेंध रह के एक मतलब ये सापोरी जैसा बन जाता है, वो नीचे नहीं रहता है। जो जगह है जो घर है वो नीचे हो जाता है। सो व्हाट इज लो लाइंग एरिया नाउ विल नॉट रिमेन सो आफ्टर फ्यू इयर्स। यस, মানে এতিয়া সাপৰ জেগাবিলাক 20 বছৰ পাছত ওখ হৈ যাব। এতিয়া যত মানে নদীৰ পানীবিলাক ফ্ৰীলি আহিব, ফ্ৰীলি পাব। আপুনি 20-25 বছৰ দেখিব নালাগে, 2 বছৰ 3 বছৰতে মাথাৰি বাহিৰতো 2 বছৰ 3 বছৰ দেখি যাব। মানে এইবিলাক কম ওখ হৈ গৈছে, বাকীবিলাক মানে এটা ৰিজাল্ট ডাউন হৈ গৈছে। अच्छा, धीरे धीरे स्लोली मतलब 2-3 साल में ही वो देखने को मिल जाता है इनसाइड एमएन में। কঠিয়াটো হতে আমাৰ উপজেগা পাৰি, কাৰণ মানে সমাহে বানপানী আহি থাকে। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা পানী আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আহিন কাটিলৈকে আহি থাকে। গতিকে আমি কঠিয়াটো শালি খেতিটোৰ কাৰণে কঠিয়া বচাবৰ কাৰণে উপজেগাত It's a good debate, local knowledge and technological findings. अभी क्या-क्या damage हुआ है, हमको क्या-क्या पता चला है, quickly उसको देखते जाएंगे क्या-क्या हम लोग के हैं, कैसे डाटा निकला है। ये हम लोग का डाटा क्लाउड सर्वर में जाने के बाद AI उसको एनालिसिस किया। AI मतलब एक मशीन में एक इंसान जैसा है, वो सोचता है कि क्या कैसे क्या है, वो देखता है कि कहाँ कैसे प्रॉब्लम है। तो ये कंप्यूटर ने ये बताया कि यहाँ डैमेज रोड है और इसका कोऑर्डिनेट ये है, जियो कोऑर्डिनेट हम डालेंगे और इसका एलिवेशन इतने लेवल पे है, हम एग्जैक्ट वो पॉइंट पे जा सकते हैं। और फ्यूचर में कभी सर आपको ये जरूरी होगा कि आप जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज करोगे कि यहाँ सर डैमेज हुआ है, ये आपको प्रूफ की तरह भी दिखा सकते हो और यहाँ भी मोबिलाइज करवा सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट ये पॉइंट पे है और आप इसमें एक्शन लीजिए। नेक्स्ट, तो ये हम लोग एक टूल है, इसको हम एनालिसिस करते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इमेज से भी हम लोग उसका एरिया मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ कितना एरिया में वाटर लगा हुआ है ये हम लोग दिख सकते हैं। तो 20 एकड़ के आसपास के एरिया में यहाँ पानी जमा हुआ है, ये नर्सरी कैमरा का ही फोटो है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल पेडी फील्ड समर्थ हो गया वाटर में, फ्लोड वाटर आने के बाद वाटर लॉगिंग हुआ। हाँ, एज डिटेक्शन से कंप्यूटर विजन से पता चला कि ये पार्ट में है हुआ। फिर ये जो 8 घर है, ऐसा घर है जो अभी भी मतलब इस टाइप ऑफ डिटेलिंग आई थिंक इट इज मिसिंग इन इमोशंस। यस सर, या दैट इज द ब्यूटी ऑफ लोकलाइज्ड। सर आप बता रहे थे अभी जुलाई में फ्लड हुआ था, अभी अगस्त एंड होने वाला है, अभी भी 8 घर ऐसा है कि वो पानी के अंदर है। और लोग प्रॉब्लम क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो रोजमर्रा का काम है, हम लोग कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, नाव से बाहर आ जाएंगे, कैसे भी करके बाहर आ जाएंगे। पर आज भी 1 महीना होने के बाद भी सर अंदर 8 घर ऐसे पानी का सिचुएशन। और एक बड़ा प्रॉब्लम है असम में, कुछ फिगर्स एसेस होके आते ही नहीं। बिल्कुल सर, वो अंडर असेसमेंट में रहता जाता है। हाँ, बाढ़ हुआ, बाढ़ खत्म हुआ, ऐसे चला जाता है। पर बाढ़ खत्म होने के 1 महीना बाद भी अगर ये सिचुएशन है तो ये ग्रेजिंग लैंड है। मैं समझा नहीं। एक्चुअली हर साल पानी आता रहता है और कुछ कुछ फिगर जैसे हाउस डैमेज जैसे ब्रिचेस डॉक्यूमेंटेड नहीं होता ही नहीं अंदर असेसमेंट। जब भी डीडीएमए का रिपोर्ट देखते हैं, एसडीएमए का रिपोर्ट देखते हैं, यूएस यूए अंदर असेसमेंट हर साल देयर इज नो क्वांटिफिकेशन ऑफ डैमेज, कोई स्टडी होता नहीं। सो दे आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग डैमेज quantification. So through this they get to understand this kind of damage. And this report also can be a good tool for advocates. Yes. So villagers are seeing for the first time that such kind of damage is happening. And there is no quantification of that damage. Last 5 years में कितना हजार घर डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर आप मतलब खोजने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये गांव में ही हम लोग काम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, मतलब हर साल गांव का रोड टूट रहा है, घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब रिपेयरिंग ये सब का कोई आता नहीं है। वो समस्या बहुत बड़ा है, डाटा एक्चुअली नहीं मिलता है। हाँ, ये डाटा एक्चुअली मेजर कर सकते हो डिस्प्ले। ये एक पेडी फील्ड है, ये भी ऐसा समर्ज हुआ है। पेडी फील्ड काफ़ी लगभग तमसर डेमरा में ऐसे देखा जाए तो 70 to 80% वो समर्थ हो गया। मतलब आज एक महीने बाद अगर ये कंडीशन है तो फिर आगे क्या होगा। ये एक डैमेज हाउस है, रेचेड हाउसेस है, ये पूरा बिल्कुल डैमेज है अभी कंडीशन पे। नेक्स्ट ये बिल्कुल ईद हो गया है, उसको वॉश्ड आउट है, टोटल रोड है, लोग चलने के लिए उसको यूज करते हैं। ये पूरा टोटल फिर और एक डैमेज हाउस है, ये काफी अंदर था, हमें भी पता नहीं था कि एआई इसके अंदर घुस के इसको एक्चुअली डिटेक्ट कर सकता है। तो ये पानी के वजह से यहाँ आया, शायद कुछ हुआ उसके वजह से डैमेज हुआ है। और लकी की कंप्यूटर विजन इतना एडवांस हो गया कि हम उसको आगे ले सकते हैं। ऐसे भी 2 घर ऐसा ही है और इसको जो जोड़ने वाला जो घर जो रास्ता था वो भी अभी धो गए हैं। अब ऐसे देख सकते हो यहाँ उन लोग अभी बोर्ड से जो कनेक्शन वो करवाते हैं, बोर्ड से अभी जा रहे हैं, आगे पीछे जो भी है बोर्ड से जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे सेंटर। नेक्स्ट ये एक पानी में ऐसे समर्ज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रपोज कि ये लोग कभी आए ही नहीं है देखने के लिए कि क्या कंडीशन है, ग्राउंड रियलिटी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पोल से वो कहाँ गया है, कैसा कंडीशन में। जैसे और एक डैमेज हाउसेस मिला हमें। नेक्स्ट टॉयलेट है ऐसे ऊपर। हाँ, नेक्स्ट ये शायद आपके बना हुआ होगा सर, जो हाई राइज प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, और ये शायद और थोड़ा ऊपर जा सकता है क्योंकि पानी के टाइम ये भी डूबता है। तो ये वाला पार्ट में जो आपका ये 2nd डे में जो विलेज में थे वो वाला सही पोजीशन पे, पर धनसरी डेमरा में जो आपका बना हुआ है सर वो थोड़ा नीचे, वो शायद ऊपर जा सकता है। धनसरी डेमरा है या वाला? हाँ, ये धनसरी डेमरा के फर्स्ट डे 1। हाँ, ये डे 1 का सर। दिस इज एक्चुअली रिहैबिलिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम RWS। अच्छा, RWS जस्ट टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड वर्क, not the raise hand pump, no? Raise hand. This is a different. ये raise platform पे तो उतना raise नहीं है जितना आपका बना हुआ है। उनका तो बड़ा है। हाँ सर। तो ये breaching concepts है, some challenging attitude, next damage houses, next ये भी road damage है, road water damage है, next breaching coordinate दिया गया है उसमें। ये tower है, नीचे से उसका बिगड़ा हुआ है जो दिख रहा है ऊपर से डैमेज। नेक्स्ट डैमेज। हाँ, ये रिवर इरोजन हुआ, ये आपके गांव का ही। हाँ, देख सकते हो कि कहाँ ये सब चीज को आप भी मतलब ऐसा नहीं कि ये आप देखना पड़ेगा क्योंकि अभी रोड चला जाएगा, इसके नेक्स्ट टाइम में रोड ही चला जाएगा। तो आ रहा है गांव है पूरा बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएगा मेन गांव से। आपको ये पार्ट को थोड़ा देखना होगा। यहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि आपको इसकी लॉकिंग करने की ज़रूरत है, जीआई बैग्स डालकर और बाइंडिंग सॉइल बाइंडिंग की ज़रूरत है। उसके पहले आई थिंक जो जरूरी है इस फिल्म को जब भी हमारे पास आ जाती है इसको लेकर के दोनों गांव में बैठ के मीटिंग करना और जितने भी जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे फर्दर स्टडी की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन इससे कनेक्टेड, जैसे सॉइल इरोजन यहाँ पे आ गया। सॉइल इरोजन कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ है, तो व्हेन वी हैव कैप्चर्ड ऑल दिस डाटा वो हमें मदद करेगा आगे प्लान करने में कि अब इसको रोकने के लिए, लैंड रिक्लेम करने के लिए फिर क्या करना होगा। तो आई थिंक दिस रिक्वायर्स फर्दर असेसमेंट एंड प्रोबिंग व्हिच विल बी डन आई होप। अनदर वही पॉइंट है आपके गांव, मतलब काफी क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके विलेज, क्योंकि दोनों साइड आपका पूरा रिवर है, मतलब पूरा ये डैमेज टॉयलेट है, ये अनदर डैमेज टॉयलेट, ये डैमेज हाउस, नेक्स्ट ये रोड वास आउट है, डैमेज टॉयलेट है, डैमेज हाउस, नेक्स्ट। हां सर, हम लोग जैसे ऑब्जर्व किए थे ग्राउंड में, हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि इतना डैमेज हाउसेस